नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कल कल आ गया था एमसीसी का ब्रोशर, और एमसीसी का ब्रोशर बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो सारी इंडिया की काउंसलिंग प्रोसेसेस को मोटा मोटी समझाता है। और देखिए, 70 पेज का ब्रोशर है, मैं आपको 70 पेज। और सबसे पहली चीज़ यही है कि रूल्स एग्जैक्टली सेम है जो 2023 के थे। तो जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और जब मैं 2 ढाई महीने पहले बना रहा था, और कोई मेरे पास आता था, सर क्या होगा, और ख़ासकर वही जब आप लोग वो दूसरे एजेंट्स की भी टच में रहते हैं, तो मैं कहता था भाई एज पर रूल 2023, एज पर रूल 2023, हम मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2024 में भी 2023 का रूल आ गया। और जैसा हमने कहा ना, कई चीज़ें ऐसी हैं, मेरे पास कई लोग आते हैं तो उनको लगता है कि सर शायद सर को जानकारी कम है, कि वो जो जुगाड़ से एडमिशन होता था सर तो साफ मना करते हैं। देखिए, सर भी करवाते थे 2020 में, 19 में, 21 में, इवन 22 तक। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ना रूल चेंज हुए धीरे धीरे, और मैं सिर्फ उन्हीं लाइन को हाईलाइट करूंगा जिसकी वजह से मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों अब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के हाथ में एडमिशन नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं, अब आप ये भी समझ गए अभी तक आते आते हैं, कि काउंसलिंग्स मोर देन 30 काउंसलिंग चलती है, जिसमें से एक काउंसलिंग होती है जो एमसीसी करती है, जिसकी वेबसाइट है, जिसके अंदर 54 अब प्राइवेट कॉलेज आते हैं, जिनको हम डे टू डे भाषा में डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मैं आपको कई बार समझाया कि डीम्ड तो इंडिया में 150 के ऊपर है प्राइवेट, पर जो कॉलेज केंद्र सरकार की काउंसलिंग में आ रहा है वो इस काउंसलिंग में आता है, बाकी बाकी अपने राज्य सरकारों में जाते हैं। तो हरियाणा की 6 में से 3 प्राइवेट कॉलेज एक्चुअली डीम्ड हैं, SGT, अल्फलॉन, MMU साधोपुर, और उन तीनों की काउंसलिंग हरियाणा स्टेट करवाता है, जबकि MMU बुलाना और अमृता की काउंसलिंग ये पोर्टल कराता है। ठीक, इसी पोर्टल में दिल्ली के तकरीबन जो फेमस कॉलेज है, लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद और UCMS, उनकी भी सारी सीटों की काउंसलिंग होती है, और वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया की भी होती है। उसका एक टेक्निकल कारण है, क्योंकि ये सारे कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा फंडेड है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ पर भी केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित कॉलेज है, उसी काउंसलिंग यहाँ होती है। तो AMU, ZIPMER, BHU, जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको ब्रॉडली समझ में आ जाएगा, तो उसी को मैं जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ कॉलेज, जैसा मैंने कहा, तो उसमें BHU, AMU भी सारी सीटें, सारे एम्स, ZIPMER, और स्टेट कोटा की बात करें तो सिर्फ दिल्ली के कॉलेज का जो स्टेट कोटा सीट्स है, 5 कॉलेज की, और BDS में भी ASI दिल्ली वाले की काउंसलिंग भी यही पोर्टल करता है। लेकिन हाँ, जब आप लॉग इन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपसे पूछेगा, स्पेशली क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपके 11th 12th दिल्ली से है? और अगर है, तो जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो फिर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नजर आएंगे। आपको ऐसे नजर आएगा, मौलाना आजाद ऑल इंडिया कोटा, मौलाना आजाद DU कोटा, लेडी हार्डिंग ऑल इंडिया कोटा, लेडी हार्डिंग दिल्ली कोटा। और लेडी हार्डिंग तभी आएगा जब आप लड़की हो, और वर्धमान महावीर के सामने आएगा, वर्धमान महावीर ऑल इंडिया कोटा, वर्धमान महावीर IP यूनिवर्सिटी कोटा। क्योंकि ये 5 कॉलेज केंद्र सरकार से, जैसा मैंने कहा, फंडेड हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। 3 कॉलेज की डिग्री DU देता है, 2 कॉलेज वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया, उनकी डिग्री IP यूनिवर्सिटी देती है। वही IP यूनिवर्सिटी जो अम्बेडकर और NDMC और RB कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की भी देती है डिग्री, बट उन तीनों कॉलेज का जो 85% सीटें हैं वो IP के काउंसलिंग से मिलता है, राइट, जो IPU.admission.NIC.in। ये हो गया मोटा मोटी। अब ये प्रोसेस स्लो समझना बहुत आसान है। देखिए, सिंपल भाषा में राउंड 1 आप भरिए, आपको सीट मिलती है, आप ज्वाइन करें ना करें, आप पे कोई पेनल्टी नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी सीट मतलब खत्म हो जाएगी, वो आपके पास थोड़ा रहेगी। पर अगर आप सीट ले लेते हैं तो भी आपके पास विकल्प होता है अपग्रेड करने का, राउंड 2 में, राउंड 3 तक। और राउंड 3 के बाद देखिए, आपका अपग्रेड हो गया तो आपको नया कॉलेज मिल गया, तो जो लेटर आपको मिला है वो अगर आप ज्वाइन ना करें तो भी चलता है। लेकिन आपका अपग्रेड नहीं हुआ और राउंड 3 में आपके पास एक सीट है, फिर आपको रेजिग्नेशन की सुविधा नहीं है। राउंड 3 से पहले जाके आप रिजाइन कर सकते हो। और यही एक टिप है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, कि जो स्टेट काउंसलिंग, जो बाकी 29 काउंसलिंग है, और इस काउंसलिंग के बीच में जगल कर रहे हैं टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमल सीट, कि ये सीट आपको कब तक पकड़ के रखनी है, कब आपको इस्तीफा दे देना है, ताकि आप ऑप्टिमल सीट के लिए फाइट मार सको। और वही हम अपने क्लाइंट्स को, जो मैं बार बार कहता हूँ, स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑप्टिमल सीट के लिए,
वो इसलिए बनती है कि ताकि हम इस काउंसलर्स को बीच में जगल कर सकें। ओके, और कुछ भी नहीं है इस पेज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि स्ट्रे राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको पहले 3 राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। और जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल में दिखाई दिया, चूंकि इस बार राउंड 4 भी ऑनलाइन होने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है ना कि ऑल द राउंड्स आर ऑनलाइन, जब ये बात आगे आएगा उसका नतीजा यही होगा कि अभी मुझसे लिखवा लीजिए, फिर इस बार स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा जो कि 4 राउंड के बाद होगा। हो सकता है कि वो 1 या 2 नवंबर को हो जाए, 30 31 अक्टूबर को हो जाए, लेकिन स्पेशल स्टे राउंड होगा ही होगा। क्यों होगा वो भी समझाऊंगा, ठीक है। इन लोगों ने क्या बोला है कि चौथे राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आप अगले साल नीट में नहीं बैठ पाओगे। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इस रूल का कोई फायदा क्यों नहीं है, कि कैसे बच्चे इस रूल से आराम से बच जाते हैं, अपने मन की कर लेते हैं और इसलिए सीटें बहुत सारी खराब हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला है कि भाई मैं अगले साल नीट में नहीं बैठ पाऊंगा ना, लेकिन इस साल अगर मैं अभी तक बच्चा खाली था और मैंने स्ट्रे मॉप अप एमसीसी में भी चॉइस फिलिंग कर दी फॉर्म भर के, और आपने नोट किया होगा जो शेड्यूल आया हुआ है कि आखिरी राउंड में आते आते एमसीसी और स्टेट्स का टाइमिंग मैच हो जाता है, तो मैंने चौथे राउंड में इसका फॉर्म भी भर दिया, चौथे राउंड में यूपी का ऑनलाइन भी भर दिया, चौथे राउंड में हिमाचल का भी भर दिया, हरियाणा का भी भर दिया, उत्तराखंड का भी भर दिया, मेरे को मिल गई 4 जगह सीट, मैं एक जगह चला जाऊंगा। चला गया मैं तो मुझे तो रूल में आने की जरूरत ही नहीं है, मैं कौन सा लीड देने वाला हूँ। लेकिन मैंने 3 सीटें तो खराब कर दी। वो जो 3 सीटें खराब होंगी, जो लास्ट ईयर 1000 से ऊपर सीटें खराब थी, और फिर ये सब यूनिवर्सिटीज ने सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि 30 अक्टूबर के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। एक्चुअली लास्ट ईयर तो 30 सितंबर का रूल था और फिर 15 नवंबर को स्पेशल स्टे राउंड हुआ था जिसमें पूरे हिंदुस्तान में सरकारी और प्राइवेट मिला के 1000 से ऊपर सीटें खराब हो रही थी। देखिए 1000 सीटें बहुत होती है 1,10,000 में से, जब जहाँ टोटल सीटें हैं, यार 1000 भी कम बोल रहा हूँ मैं, 1300 1400 सीटें खराब हो रही थी। तो फिर दोबारा से स्पेशल स्टे राउंड हुआ जो कहीं ऑनलाइन हुआ कहीं ऑफलाइन हुआ है, और वहाँ पर कभी कभार आपको कम रैंक पर सीट मिल गई जिसको देख के आपको फिर से कुछ एजेंट ये कहते हैं देखो जी पिछले साल आपको कम मार्क्स कम रैंक पे सीट मिल गई थी। अगर आप स्पेशल स्टे राउंड तक इंतजार करने को तैयार हो, और एक और टिप समझ लीजिए, स्पेशल स्टे राउंड तक तभी इंतजार कीजिए या स्टे भी तब इंतजार कीजिए जब आप ड्रॉप करने को तैयार हो। मेरे पास भी कई क्लाइंट्स आते हैं, 100 में से मेरे पास एग्जैक्टली 5 ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मेरा पहले ही चांस था, मेरी ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, हम स्ट्रे तक भी जा सकते हैं, स्पेशल स्टे तक भी जा सकते हैं, ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपन ड्रॉप कर रहे हैं। यही फार्मूला गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के साथ चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज खासकर जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला है वो कहते हैं सर, या सेकेंड अटैम्प्ट वाला भी हो जिसके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं जी मतलब सरकारी में ही पढ़ना है, तो मिल गया लास्ट है तो ठीक है, नहीं तो मैं प्राइवेट, नहीं तो मैं ड्रॉप करूंगा। हाँ बट आप ऐसे होते हो कि सरकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब 640 645 नंबर वाले इस साल अगर आप दिल्ली कैटेगरी के हो जनरल, लेकिन सर अगर नहीं मिलने की उम्मीद है ना तो फिर मैं केरल या कर्नाटका ले लूंगा, फिर आप स्टे तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि तब तक तो केरल कर्नाटका वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है जो आपको सोच समझ के बनानी होती है विद द राइट काउंसलर, जो भी आपके पास काउंसलर है उससे ये जरूर करिए, या खुद कर रहे काउंसलिंग तो ये सब जरूर सोचिएगा, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी अपग्रेड का रूल। जैसा कि मैंने कहा बाकी सब तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन मैंने पढ़ी थी कि सारे राउंड ऑनलाइन होंगे, तो देखिए भाई 2022 तक क्या था ना, एक मॉपअप वर्ल्ड था, अब मॉपअप वर्ल्ड ही चेंज हो गया है। अब ये देखिए चारों राउंड ऑनलाइन होंगे, उसके बाद नो सीट विल बी रिवर्टेड बैक टू पहले 2021 तक ये रूल था कि 2 राउंड के बाद ये जो ऑल इंडिया कोटा है ना 15%, इसकी सीटें स्टेट को दे दी जाती थी, अब वो भी नहीं दी जाती है। मॉप अप राउंड को अब राउंड 3 कहते हैं, जैसा कि हमने कहा जो 2023 से आ गया। तो भाई 2023 से ना बहुत रूल्स चेंज हुए। तो आप में से कई लोग कहते हैं नहीं सर आपको नहीं पता, मेरे फ्रेंड के बेटी का एडमिशन 2020 में फलाना कॉलेज में हुआ कैश दे के। मैं कहता हूँ बिल्कुल होता था, हम भी कराते थे, लेकिन 2021 में ना, 22 में ना, 19 में ना, आप 2023 का एग्जाम्पल लेकर आइए ना कि जहाँ पर ऐसा एडमिशन हुआ है, एनआरआई सीट कन्वर्ट होके आपको कॉलेज के अंदर दी गई है। 22 तक तो दी जाती थी, हम भी हेल्प करते थे भाई, लेकिन इसी पैराग्राफ को इस 11 पेज को आप ठीक से पढ़ लोगे, इसमें ये जो इतने सारे रूल्स है ना
यही रूल मैं आप लोगों को समझाता हूँ पिछले 3 महीने के वीडियो से कि इन्हीं सब की वजह से वो सब चेंज हो गए। ओके, कि सब राउंड ऑनलाइन हो गए, एनआरआई सीट राउंड 3 के दौरान कन्वर्ट होने लग गई, जो पहले राउंड 3 के बाद कन्वर्ट होती थी, जिसमें ये एमसीसी के कॉलेज को या जिस भी कॉलेज में एनआरआई सीट है वो राउंड 4 में मन मर्जी से अपने चाहने वालों को देते थे या जिनसे पहले डील हुई है। अब चूंकि राउंड ही ऑनलाइन हो रहा है तो कैसे देंगे। अब जब स्पेशल स्ट्रे होगा इस साल जो पक्का होगा तो फिर कुछ गुंजाइश बनेगी, लेकिन उसके लिए तभी वेट कीजिए जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। नहीं तो मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी 1,10,000 सीटें हैं, इस साल कम से कम 5,000 सीटें और बढ़ने वाली हैं, तो भाई स्ट्रे स्पेशल स्ट्रे का तभी वेट कीजिए जब आप उसके लिए तैयार हो ड्रॉप के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात। तो ये ना, ये जो 2-3 पेज है ना, ये सिर्फ पेज नंबर 11-12 भी आप पढ़ लोगे ना खुद से तो आप फ्रॉडस्टर्स के हाथों से बच जाओगे। ठीक है, अब मैं एक लाइन समझा सकता हूँ पर वो फिर आधा घंटे का वीडियो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो 11 और 12 पेज पढ़ लो। एमसीसी यही कहती है बार बार, हम खाली काउंसलिंग कराते हैं, सारे कॉलेज का नाम जो मैंने आपको रफली बता दिया, कन्वर्जन एल्गोरिथम, एनआरआई सीट यूआर बन जाती है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये अब राउंड 3 में बन जाती है, राइट, जो इस जमाने में राउंड 3 के बाद होती थी। ये देखो 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग आ गई। ओके, उसके बाद जैसे आप जानते ही हो जो शुरू से कह रहे हैं कि रिलेशनशिप ऑफ एनआरआई, कि जिसमें फर्स्ट ब्लड एनआरआई होना चाहिए, और मैं फिर से आपसे अपील करूंगा जो भी वीडियो सुन रहा है कि आज में या कल में जब एनआरआई कन्वर्जन आ जाएगा और आप में से किसी का भी फर्स्ट ब्लड के बिना अगर एमसीसी अप्रूव कर दे चेंज ऑफ कैटेगरी, तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में प्लीज लिखना, एनोनिमस नाम से लिख देना, ताकि हम दूसरे बच्चों का भी करवा दें। ओके, हम जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में किसी कोटे का मतलब नहीं होता है। ये देखिए, ये सारी सीटें, ये सबसे बड़ा जो रूल मैं समझा रहा था, द कन्वर्जन ऑफ सीट्स विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द राउंड 3। 2021 तक ही होता था आफ्टर राउंड 3, आफ्टर और ड्यूरिंग में ही दुनिया पूरी तरीके से बदल गई। इसका एक बड़ा एक्सप्लेन मैंने वीडियो बना रखा है 2022 में, तो अगर आप मेरा चैनल ढूंढेंगे तो 2022 में आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, कि दौरान, ड्यूरिंग और आफ्टर वर्ल्ड में कितनी दुनिया बदल गई। उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि ईएसआई की सीटें होती हैं, जो कि ईएसआई मतलब इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हो जिनका ईएसआई कटता है, और इसको भी काफ़ी मिसयूज किया जाता है। जो लोग लंबी प्लानिंग करते हैं, पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 साल पहले ही किसी दोस्त की या जानकार की फैक्ट्री में या छोटी दुकान में अपने आप को ईएसआई के पेरेंट बता रहे थे ताकि बच्चे को ये बेनिफिट मिल जाए, और 30 से 40, 20 से 30 नंबर का फायदा हो जाता है जनरल कैटेगरी में, और एसटी एसटी में तो बहुत फायदा हो जाता है। इंश्योर्ड पर्सन जो लिखा हुआ है ना, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो ये सब लंबी प्लानिंग की जाती है। ओके, उसके बाद वही जो हम बात कर रहे थे, कौन कौन से कॉलेज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये दो थे जो वैसे आईपी के अंडर आते हैं तीनों, पर काउंसलिंग इसी पोर्टल पे होगी, राइट। अब एक और चीज, दिल्ली का कोटा, 11-12 दिल्ली करो, दिल्ली का कोटा पाओ, सो दिल्ली का कोई अलग से डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता, जिसने 11वीं 12वीं दिल्ली से कर ली वो हो गया दिल्ली का। और इसीलिए हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलिंग 11वीं 12वीं दिल्ली से कर लेते हैं ताकि उनको डबल डोमिसाइल मिल जाए। ओके, एएफएमसी पुणे, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आज या कल, तो आपसे पहले स्क्रीन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एएफएमसी। आप यस कर देंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं है, दिक्कत नहीं है, आपका चांस होगा कि एएफएमसी की कंप्यूटर इंटरव्यू लिस्ट में आपका नाम आ जाए, इंटरव्यू देने चले जाना। नहीं जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाओगे वहां पर मेडिकल, उससे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल होगा, सब में पास कर लोगे तो आपको एएफएमसी में सीट मिल सकती है। शानदार कॉलेज है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, 7 साल का लेकिन बॉन्ड होता है। ओके, उसका मैंने आपको ब्रॉडली अलग से वीडियो बना के दिया था। बाकी देखिए फैक्ट्स हैं, रजिस्ट्रेशन आपको बता दिया मैंने कि हर राउंड से पहले अलाउ करते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अपग्रेडेशन के रूल हैं, 1 to 2, 2 to 3 आप जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो, मतलब जो मैंने कहा था पेज नंबर 11-12 और पेज नंबर 38, 39, 40 पढ़ लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर से बार बार आ रहा है ये ऑर्डर जो आता है, ये एनआरआई सीट वाला ही आता है। और फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से आ गया, फैक्स पढ़ लो,
मोटा मोटी मैंने आपको समरी में बताई दिया। कोई दिक्कत होती है तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछ सकते हो वीडियो से या हमसे पेड कॉल लेके। ओके, तो पेज नंबर 41, 42, 47 ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज है, लेकिन जो मैंने शुरू शुरू में बोला मोटा मोटी वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, कोई ऐसा खास ऐसा पेपर नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। और उसके बाद ये लास्ट में सारे एनेक्शर, ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो मिल गया, और लास्ट में एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम बेवकूफ़ बनते हैं, सेंट्रल पूल। देखिए पूरे हिंदुस्तान में गिन के 20 सीटें हैं सेंट्रल पूल की, और ज़रा ये देखिए वो देता कौन है। और कल किसी समझदार आदमी से मेरी बात हो रही थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं कहा सर सेंट्रल पूल मिनिस्ट्री, ये देखिए ये आ गया नॉमिनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6 सीटें मौलाना आजाद और 15 सीटें लेडी हार्डिंग में है। इसके अलावा हर स्टेट में भी एक-एक सीट होती है जो स्टेट की कोटा से मिलती है। तो ये देखिए किन किन लोगों को मिलती है, ये तो पहली होगी कंडीशन, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू स्टेट जहाँ पर भी कॉलेज मेडिकल का आज भी है ही नहीं, इसी के लिए बिल लाया गया था। और आपको हेल्थ सेक्रेटरी के लेवल पे जाके आप ईमेल डालते हो, ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन स्टाफ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाता है ना। लोग कहते हैं कि हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जान पहचान है, हमारी होम सेक्रेटरी में जान पहचान है, इतनी लिमिटेड सीटें हैं। आपको लगता है कि ये जो सीट्स है ये बिना एक सीनियर मिनिस्टर के अप्रूवल के किसी को दी जाएगी? और जो रियली इंडिया के टॉप 5-10 मिनिस्टर हैं या हेल्थ सेक्रेटरी हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं मिनिस्टर या कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, आपको लगता है कि 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए लेके वो आपका नाम इस लिस्ट में डाल देंगे? जरा सोचा कीजिए, राइट? तो ये इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। और वही जो मैं कहता हूँ कि एक दो को अगर फेवर करना भी है तो उनको फेवर किया दिया जाएगा जिसका फेवर देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को चाहिए। जरा लाइन पर गौर कीजिए, उस इंसान को फेवर करके ये सेंट्रल पूल में डाला जा सकता है जिस इंसान का बदले में फेवर चाहिए हिंदुस्तान के टॉप 20 नेता या टॉप 20 ब्यूरोक्रेट्स को। 10, 20, 50 लाख देके क्या वो लोग आपको सीट देंगे, जरा खुद ही सोचिएगा। ओके, ये बाकी क्राइटेरिया है कि जामिया जो ये डेंटल कॉलेज है उसके इंटरनल कोटा होता है, क्या आपने 10th 11th 12th अगर जामिया के स्कूल से पढ़ी है, और सिमिलरली ये जिपमर का जो इंटरनल कोटा है उसकी क्या कंडीशंस हैं, आखिरी पेज वो है। ओके, सो मोटा मोटी वही मैं आपको समझाता हूँ कि स्पेशल स्ट्रेस इस बार पक्का होगा, चारों राउंड ऑनलाइन है तो सीट वेस्ट होंगी, NRI सीट राउंड 3 के दौरान कन्वर्ट हो रही है, ये सारे रूल 2022 में चेंज हुए थे, 2020-21 तक हम भी एडमिशन कराते थे, दुनिया भी कराती थी, अब जो भी होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर करता है। जो भी सीट मिलनी है आपको मेरिट से मिलनी है, रैंक से मिलनी है, ऑल इंडिया रैंक से मिलनी है, कैटेगरी रैंक का कोई रोल नहीं है इस काउंसलिंग में, क्योंकि अभी मैंने आपको बस समझाया जो लाइन में लिखी हुई थी ना कि OBC ST ST का कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। NRI फर्स्ट ब्लड चाहिए, किसी को भी बिना फर्स्ट ब्लड के, मतलब सगे चाचा ताऊ बुआ मामी मौसा के अलावा अगर किसी का NRI पेपर अप्रूव हो जाता है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में डालिए ताकि हम दूसरों का भी भला कर सकें। और NRI सीट अब किसी के हाथ में रही नहीं, राउंड 4 किसी कॉलेज में होता नहीं है जो 54 कॉलेज हैं, तो किसी ओनर से डायरेक्टली बात करने का कोई फायदा अब नहीं बचा। 2021-22 तक हम भी करते थे। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपको बाकी करना है, जो मैंने बोला जगलिंग अराउंड, एक काउंसलिंग ये चलेगी 10 दिन बाद 30 स्टेट्स की चलेगी, आपके नंबर 350 है, फिलहाल आपने डर के मारे 1 करोड़ 25 लाख का कॉलेज पकड़ लिया MCC काउंसलिंग से। और ये थोड़ी ना कि 54 के 54 शानदार कॉलेज है, इसमें 4 तो पौंडेचेरी में है, 12-13 तमिलनाडु में है, वो तो वैसे ही एक हिंदी भाषी बंदे के लिए लैंग्वेज और फूड का मेजर इशू है। फिर कुछ महाराष्ट्र के हैं जो सुपर महंगे कॉलेज हैं, DY पाटिल पुणे टाइप का 1 करोड़ 70 लाख, श्री रामचंद्रा हो गया 1 करोड़ 60 लाख, अमृता हो गया 1 करोड़ 35 लाख, सेम मार्क्स पे आपको बहुत अच्छे कॉलेज स्टेट्स के मिल सकते हैं। वो हेल्प करना ही हमारा पेड काउंसलिंग पैकेज होता है, उसी बात की हम पैसे लेते हैं, सीट दिलाने की नहीं। वो सीट दिलाने का काम अब काफ़ी हद तक खत्म हो गया, जहाँ बचा है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चाहे वो राजस्थान की सीट हो मैनेजमेंट, या मध्य प्रदेश की NRI सीट हो, या कर्नाटका की NRI या ओ कोटा का नेगोशिएशन हो, सीट तो वहाँ पर भी
एलोकेशन मेरिट से ही होगी जब तक राउंड ऑनलाइन है, ओके। और स्पेशल स्ट्रे होंगे जो इस बार पक्के होंगे क्योंकि राउंड 4 ऑनलाइन हो गया है, वो हो सकता है, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाँ, हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9603362320। बट ये भी मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि वी डोंट कॉल एनी बडी, हम किसी को मैसेज नहीं डालते, तो हमसे पहली बात करने की भी फीस लगती है। और अब वो मिनिमम फीस है वो 5,000 रुपये हो गई है, जिसमें आप मुझसे 15 से 20 मिनट, 25 मिनट बात करके अपने बेसिक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप किसी और के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो दो तीन और पैकेज हैं वो आपको फ़ोन करके मिल जाएंगे। फुल फ्लेज क्लाइंट्स लेना अब हमने बंद कर दिया है, ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर 9603362320, बाय बाय।